नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम मालविया आपका अपने चैनल इलेक्ट्रिकल जिम में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज एक बार फिर हमेशा की तरह हम आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डीसी मोटर के टाइप में, जो फर्स्ट टाइप हमारा डीसी मोटर का होता है, डीसी संट मोटर के बारे में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, की डीसी संट मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होता है एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फ्रेंड्स, हमारा जो इलेक्ट्रिकल है उसका हमारा बेस जो है मोटर है। तो फ्रेंड्स, हम मोटर के बारे में एक बेसिक से लेके बड़ी नॉलेज जितनी भी है सब कुछ हम आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक हम मोटर के बारे में पूरी तरह से क्लियर नहीं होंगे हम इलेक्ट्रिकल के बारे में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल जो है, हमारा इलेक्ट्रिकल का बेस ही जो है ना मोटर है। जब तक हम मोटर को नहीं जानेंगे हम इलेक्ट्रिकल को नहीं जान सकते। तो फ्रेंड्स, आज के बारे में वीडियो में हम संट मोटर के अप्लीकेशंस, कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ पहले जुड़े हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप काम सीधा चलते हैं वीडियो के बारे में, क्योंकि हम संट मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, देखते हैं वीडियो में करके, देखते हैं कुछ नया सीखते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इतना देखने के बाद डीसी मोटर एंड सर्किट काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। अगर आप नहीं समझे हो तो कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे डीसी मोटर के टाइप में हम डीसी संट मोटर है का डायग्राम है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही बताया था कि हम डीसी संट मोटर के बारे में बात करने वाले हैं कि डीसी संट मोटर क्या होती है। तो इस डीसी संट मोटर, इट इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर। हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का टाइप है, एक हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर जो होती है उसका टाइप है हमारा डीसी संट मोटर। तो फ्रेंड्स, हमारा डीसी संट मोटर क्या होता है? तो फ्रेंड, जो हमारा डीसी संट मोटर होता है ये हमारी जो फील्ड वाइंडिंग इसकी होती है वो कनेक्टेड होती है पैरेलल में आर्मेचर के थ्रू। हमारी इसमें फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर वाइंडिंग। हमारी जो डीसी संट मोटर होती है, हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का एक तरह से एक टाइप होती है, जिसमें कि हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर का टाइप होता है, जिसमें कि हमारा फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आपको दिखाना चाहेंगे हमारा ये डीसी सोर्स हो गया, हमारे यहाँ पे डीसी सोर्स जहाँ यहाँ पे हमारी डीसी सप्लाई मिलती है इसको, एंड हमारा ये संट फील्ड वाइंडिंग हो गई, ये संट की फील्ड वाइंडिंग हो गई, संट फील्ड हो गया ये, एंड देन हमारा यहाँ पे इसका ए टू टर्मिनल हो गया, ये हमारा ए वन हो गया एंड ये हमारा आर्मेचर हो गया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देख सकते हैं हमारा ये फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। जो मेन थिंग जो कि हमारा आर्मेचर, हमारी जो डीसी संट मोटर होती है उसको हमें अलग बनाती है, उसका मेन चीज ये है हमारा ये फील्ड एंड आर्मेचर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर यही हमारा सीरीज में कनेक्टेड हो जाएगा तो हमारा डीसी सीरीज मोटर हो जाएगी, तभी हम डीसी संट मोटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसमें केवल डीसी संट मोटर के बारे में बात करेंगे कि हमारी डीसी संट मोटर क्या होती है, इसका कनेक्शन क्या होता है एंड इसकी वर्किंग क्या होती है, सब कुछ बताएंगे हम आपको। एंड सो बोथ वाइंडिंग ऑफ दिस मोटर एक्सपोज टू द इक्वल वोल्टेज पावर सप्लाई। इसमें क्या होता है कि हमारा जो आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग होती है हमारी बराबर सप्लाई के साथ जुड़ी होती है, इन दोनों में हमारी जो पावर होती है इक्वल आती है, इन दोनों की पावर जो है हमारी डीसी संट मोटर में फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग की इक्वल होती है।
और नेक्स्ट थिंग, ये हमारी जो मोटर होती है ये इनवेरिएबल स्पीड मेंटेन करती है। इनवेरिएबल सबसे मेन एडवांटेज जो इसका ये है, इनवेरिएबल स्पीड मेंटेन करती है किसी भी लोड पे। इट्स डजेंट मैटर इस पे लोड क्या है, कितना है, लोड कम है या पिक लोड पे है या लोवेस्ट लोड पे है, इट्स डजेंट मैटर। ये हमारी इनवेरिएबल स्पीड मेंटेन करती है। आप इस पे कितना भी लोड डालें, लोड का कोई इफेक्ट इसकी स्पीड पे नहीं पड़ता। तो इसमें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि हमारा जो इसके ऊपर लोड, इसके स्पीड के ऊपर लोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इसमें ये है कि जो हमारी ए मोटर डीसी संट मोटर है, लो स्टार्टिंग टॉर्क और कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करती है। इसकी जो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क होती है, स्टार्टिंग टॉर्क वो लो होती है, एंड देन इसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड जो हमारी इसकी है, इसकी स्टार्टिंग टॉर्क लो होती है, स्पीड कांस्टेंट रहती है। जो इसमें सबसे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग है, इनवेरिएबल स्पीड किसी भी लोड पे, एनी लोड पे, कोई भी लोड डालो इस पे, इसकी इनवेरिएबल स्पीड होती है, स्टार्टिंग टॉर्क लो होती है, एंड इसकी स्पीड जो है हमारी कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारे जो सबसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाते हैं, कि हमारे डीसी संट मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे डीसी संट मोटर की किन किन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारे इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो फर्स्ट वन इज, जहाँ ये मोटर हमारी वहां पे यूज होती है जहाँ पे हमें स्टेबल स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे हमें कि ये फिक्स होता है कि हमें अगर 10 RPM की स्पीड पे, फॉर एग्जांपल अगर हम 10 RPM की स्पीड पे ही चलाएं तो ये 10 RPM पे ही चले, ना कि 10.5 पे चले। तो जहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम डीसी संट मोटर का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें कि सप्लाई में कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, जहाँ पे एक हमें स्टेबल स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे यूज करते हैं हम। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हमारे डीसी संट। एंड सेकेंड वन इज, इन दिस हमारे इस टाइप की मोटर में हम करंट को बढ़ा करके बाई राइजिंग करंट 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 को हम बढ़ा के टॉर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम इसके करंट में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, करंट को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो टॉर्क होता है टॉर्क भी बढ़ जाएगा। और मेन थिंग, विदाउट चेंजिंग डिक्रीजिंग इन स्पीड, कि हम बिना स्पीड को कम किए अगर हम इसके करंट को बढ़ाते हैं, हमारी जो डीसी संट मोटर होती है उसके करंट में अगर हम इंक्रीमेंट करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो बिना स्पीड को कम किए हमारी मोटर का टॉर्क जो है इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमें इसका करंट बढ़ाते हैं तो हम इसके टॉर्क को इम्प्रूव कर सकते हैं डायरेक्टली, विदाउट डिक्रीजिंग इन इस। तो फ्रेंड्स अगर हमें इसका टॉर्क बढ़ाना है तो हम करंट को बढ़ा करके टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, हमें उसके लिए स्पीड को कम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा डीसी संट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक, उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कि हमारी डीसी संट मोटर क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसी होती है और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका हमारे साथ हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो जैसा भी लगे कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स।